चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। आज बात करेंगे आपसे टीजीटी हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 19 पर और आपके सिलेबस की एक कड़ी और आगे आज बढ़ा जाएगा। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय होगा प्रेस और जनमत। हम आपसे बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास की और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम आपके लिए जो नई टॉपिक लेके आए हैं वह प्रेस और जनमत, अर्थात प्रेस और भारतीय जनता और उस पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक पे। ध्यान देंगे टीजीटी हिस्ट्री के अंतर्गत ये लेक्चर नंबर 19 होगा आपका और आज का जो मुख्य टॉपिक है प्रेस एवं जनमत, प्रेस एवं जनमत। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने आपसे इसके पहले की वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि 1857 की क्रांति और उसके पहले होने वाले विद्रोहों की एक जो सबसे मुख्य कमी थी उसमें था संगठन तथा परस्पर एकजुटता का अभाव। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पे आज की हम बात करें तो प्रेस अर्थात कम्युनिकेशन का विचारों के आदान प्रदान के एक साधन के रूप में कार्य करता है। सूचनाएं व्यापक तरीके से प्रसारित की जाती हैं और वे सूचनाएं दूसरों को प्रभावित करती हैं। तो कहीं न कहीं 1857 की क्रांति और इसके पहले होने वाले विभिन्न प्रकार के विद्रोहों में जो संगठन की कमी थी, एकता का अभाव था, वो कहीं न कहीं ये बात उसमें मुख्य रूप से थी कि ऐसे जैसे रेलवे हो गया, जैसे व्यापक तौर पे एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन हो जाए, प्रेस हो गया जिसके माध्यम से विचारों को फैलाया जाए, टेलीफोन सेवाएं, तार सेवाएं हो गए जिससे सूचनाओं को तीव्रगामी रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये सभी चीज़ें क्या थी कि मार्ग में एक बाधा थी। तो आज हमारी चर्चा का विषय है प्रेस और ये कब आया, कैसे आया, किसे अग्रदूत माना जाता है, इस पर चर्चा होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले पॉइंट के अंतर्गत कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है। तो आपको मैंने अपने शुरुआत के ही वीडियो में बताया था कि भारत में विदेशियों के आगमन के क्रम को मैं बताया था, उसमें एक नाम था पुर्तगालियों और उसमें मैंने स्पेशली मेंशन भी किया था कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, दोस्त पुर्तगालियों को जाता है। तो वही लाइन यहाँ पे कह रही कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय है वह किसे जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्रम पे यदि हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, चूंकि अब देखिए पुर्तगाली प्रेस को लेकर के आए और उसका उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन जो आप में वर्तमान या आधुनिक समय में जो प्रिंटिंग प्रेस और इस तरह के कार्यक्रम जो चल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वोल्स को 1766 ईस्वी में जाता है, अर्थात 1766 ईस्वी में विलियम वोल्स ने आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ भारत में किया हुआ था। नेक्स्ट क्रम पे यदि हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था और इस बंगाल गजट का संपादक कौन था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जेम्स अगस्त हिक्की इसके संपादक थे। आगे आएंगे और नेक्स्ट क्रम पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था, मतलब कि किसी भारतीय के द्वारा, क्योंकि ये जो आपके जेम्स, देखिए जेम्स नाम ही जुड़ गया तो इसे एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जेम्स शब्द ये इंडिया के बाहर के व्यक्तियों की,
तो यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, तो उसका भी नाम क्या था? बंगाल गजट ही था। और ये कब किया गया? 1816 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य इसके संपादक थे। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि भारतीयों के द्वारा या किसी भारतीय के द्वारा पहली अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र तो 1816 ईस्वी में बंगाल गजट को आपने देखा, और इसके संपादक कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य थे। अगले क्रम की हम बात करें आपसे, तो यहाँ पर देखेंगे कि फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र, अक्सर एग्जामों में ये बात पूछ देता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था मिरातुल अखबार, जो कि 1822 ईस्वी में क्या हुआ, जिसका संपादन हुआ। नेक्स्ट क्रम पे देखेंगे कि यहाँ पे उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस भाषा की बात हो रही, उर्दू भाषा की, कि उर्दू भाषा में पहला समाचार पत्र भारत में कौन सा प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जाम ए जहानुमा पत्र का क्या नाम था, जाम ए जहानुमा हुआ। तो ध्यान दिया हमने कि उर्दू भाषा में भारत में जो पहला समाचार पत्र बना वो जाम ए जहानुमा बना। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जाम ए जहानुमा का संपादक कौन था या कौन करता था? तो हमने आपको अभी बताया कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, या ऐसे समझें कि मुख्य रूप से उसका संस्थापक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ जाम ए जहानुमा का संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और प्रश्न यहीं से बनता है कि इसका संपादन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जाम ए जहानुमा उर्दू भाषा में जो प्रकाशित पहली पत्र पत्रिका थी, का संपादन 1822 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्रम में आते हैं और यहाँ ध्यान देंगे कि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। और ये किस सन में प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट क्रम पे यदि हम आए तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, चूंकि हमने इसकी चर्चा भी आपसे किया कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक क्रांति, या ऐसे समझे सुधार का इन्होंने प्रयास भी किया हुआ था। नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो साहब आपने ध्यान दिया है कि अग्रदूत किसे माना जा रहा है, राजा राम मोहन राय को, तो साहब इन्हीं को उसका संस्थापक भी माना जाता है, इन्हीं को इसका संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे और यहाँ देखेंगे, एक प्रश्न आपको हमेशा पूछता है कि भारतीय पत्रकारिता का, अब चूंकि देखिए संस्थापक एक शब्द आया, अग्रदूत शब्द आया, ने एक शब्द आता है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे माना जाता है, तो यहाँ पे साहब आप ध्यान देंगे कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्टोदास पाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्रम पे आगे आएंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि राजा राम मोहन राय की क्या रही इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे देखेंगे कि संवाद कौमुदी का संपादन इन्होंने बंगाली भाषा में 1821 ईस्वी में किया।
आगे बढ़ के देखेंगे तो देखेंगे कि मिरातुल अखबार का संपादन फारसी भाषा में 1822 में इन्होंने किया। और इस मिरातुल अखबार की यदि हम बात करें आपसे तो यहाँ पर देखेंगे कि यह फारसी भाषा में था, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका सन कब है? 1822 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रह्माणिकल मैगजीन जो थी ये अंग्रेजी भाषा में था और इसका संपादन ये 1822 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देंगे, एक काफी अंडरस्टैंडिंग लेवल की लाइन लिखी हुई है कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए, राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए चंद्रिका नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? राधाकांत देव साहब ने किया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनके सामाजिक धार्मिक, यहाँ पे जो आपने देखा कि विचारों का विरोध करने के लिए लाया गया था, यहीं से संघर्ष की स्थिति प्रारंभ होती है और अंग्रेज यहीं से भारतीय प्रेस पर जो या भारतीय समाचार पत्रों पर जो कि अंग्रेजों की दिन प्रतिदिन बुराइयां और उन पर टीका टिप्पणियां करते थे, उस पर लगाम लगाने या उस पर रोक लगाने की योजना बनाने लगे। आगे देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय की क्या उपलब्धि रही, तो हिंदुस्तान का संपादन इनके द्वारा किया गया। कौन सी पत्र? पत्रिका हिंदुस्तान संपादन। इलाहाबाद से उन्होंने अभ्युदय नामक पत्र का संपादन किया। अगर नेक्स्ट क्रम में हम आए तो यहां पर ध्यान देंगे कि लाला लाजपत राय ने उर्दू भाषा में वंदे मातरम का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने उर्दू भाषा में वंदे मातरम का संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने यंग इंडिया द पीपुल नामक पत्र पत्रिका का भी संपादन किया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखा हुआ था और वह पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। ये काफ़ी चर्चित पुस्तक रही कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्रम पे आएंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि अरविंदो घोष, क्या नाम लिखा हुआ है? अरविंदो घोष। तो यहाँ पर अरविंदो घोष जी के द्वारा, या ऐसे समझे, एक मजेदार बात बताएं कि चूंकि देखिए सभी क्रांतिकारी थे और ऐसे समझे कि राष्ट्र सेवक थे, सब ने बढ़ चढ़ करके भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, औरों से आपके अरविंदो घोष जो अलग थे, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इनका जन्मदिन ही 15 अगस्त को है। अर्थात इनका जन्मदिन कब मनाया जाता? 15 अगस्त को। और 15 अगस्त क्या है? हमारे 15 अगस्त क्या है? हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अब इन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नामक जो है कि पत्र पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, पत्र का। नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे कि सावित्री नामक महाकाव्य की भी रचना इन्होंने किया। तो अरविंदो घोष ने सावित्री नामक महाकाव्य की भी रचना किया। नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे और यहां देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को, और यहां पे ध्यान देंगे कि केसरी यहाँ पे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनके द्वारा पत्र था या वो है केसरी और मराठा। जिन दोनों का इन्होंने संपादन किया था वो है केसरी और मराठा। सो मजेदार बात ये है कि केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। और हमेशा इसी से संबंधित प्रश्न बनता है कि मराठी का भाषा या मराठा पत्रिका की भाषा क्या थी, और ऑप्शन में मराठी रहता भी है और आपके द्वारा गलती कर दिया। यहाँ ध्यान देंगे
कि केसरी का संपादन इन्होंने मराठी भाषा में और मराठा का संपादन इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि इन्होंने जेल से एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम है क्या, गीता रहस्य। इन्होंने जेल से एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम क्या है, गीता रहस्य। नेक्स्ट क्रम पे आएंगे और देखेंगे कि महात्मा गांधी को, तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कि नव जीवन का उन्होंने संपादन किस भाषा में किया, गुजराती भाषा में। और ध्यान देंगे कि इनकी जो दो महत्वपूर्ण थी, यंग नवजीवन और यंग इंडिया, और यंग इंडिया किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने संपादन किया। इसके अलावा इनकी एक और पत्रिका थी जिसका, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है हरिजन। तो हमने यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण को देखा। नेक्स्ट अगले क्रम में आते हैं और यहाँ से हम देखेंगे आपको कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश और भारत मिहिर का इन्होंने क्या किया, संपादन किया। नेक्स्ट क्रम पे देखेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखा, या इसके संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष थे, और कौन थे, के सहायक शिशिर कुमार घोष थे। तो यहाँ पर आपने ये देखा। और एक जो सबसे मज़ेदार बात आपको बता दें कि अमृत बाजार पत्रिका का जो इतिहास रहा, अभी हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्रम में। चूंकि आपने यहाँ देखिए कि इसने प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बंगाली से बदल करके क्या कर लिया, अंग्रेजी कर लिया। अब चूंकि देखिए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों की जो टीका टिप्पणियां थी, उनके ऊपर आक्षेप जो लगाए जाते थे, वो दिन पर दिन बढ़ते हुए चले गए। तो यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया जो कि लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में पारित हुआ। और यहाँ वर्नाकुलर का जो अर्थ होता है वो स्थानीय भाषा, अर्थात स्थानीय भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर लगाम, या उस पर ऐसे समझें कि रोक लगाने के लिए आया था। और जो मुख्य रूप से आया था वो सोम प्रकाश और भारत मिहिर पर लगाने के लिए आया हुआ था। और जिसमें आपने ये देखा कि अमृत बाजार पत्रिका इसने क्या किया था, बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। नेक्स्ट क्रम पे देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस भी ले लिया था। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली का, गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक और नेशन का, दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य दर्पण का, माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर का, और लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम का, महावीर प्रसाद ने सरस्वती का, और दी स्कोप ऑफ हैप्पीनेस का विजय लक्ष्मी पंडित, और भारत विभाजन के गुनहगार का राम मनोहर लोहिया ने। तो हमने देखा प्रेस एवं जनमत को। हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।